कौशाम्बी से शाह का कैन डू मिशन। बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने कैन डू का मंत्र दिया था। कैन डू यानी मुश्किल कैसी भी हो खत्म हो सकती है, और आज गृह मंत्री अमित शाह उसी मंत्र को साकार करने यूपी के कौशाम्बी पहुंच गए। कौशाम्बी वो सीट है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में के बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहां बीजेपी की हार की वजह दलित फैक्टर था, और उसी दलित वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह ने आज योगी आदित्यनाथ के साथ हुंकार भरी। अमित शाह ने यहां कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन के साथ दलित सम्मेलन को संबोधित किया। दरअसल 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है, और समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हर कोई दलित वोट बैंक को साधने में जुट गया है। बीएसपी के कमजोर होने और मायावती के सियासी तौर पर सक्रिय ना होने से दलित वोट पाने का रास्ता सभी पार्टियों के लिए खुल गया है। आज अमित शाह ने दलितों को समर्पित 612 करोड़ की विकास योजनाओं के जरिए उन्हें अपने पाले में मजबूती से रखने की कोशिश की, तो अखिलेश यादव भी मिशन काशीराम के जरिए दलितों के दुर्ग में सेंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल कौशाम्बी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर नफ्स की तरह है। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दलित बहुल इलाके की सीट पर सियासत कैसे जोर पकड़ रही है। जातिवाद की समाप्त करा, सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। जिनके अभाव में जीवन जिया है वो सब लोग मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया उत्तर प्रदेश में करेंगे। सेंधमारी नहीं कर रहे हम सब लोग मिलकर के बहुजन समाज को जोड़ना चाहते हैं। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने। किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी न जीते, लड़ाई में चमक दिखाइए और मोदी जी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। भारत माता की। हमने आपको बताया था कि कौशाम्बी बीजेपी के लिए कमजोर नब्ज की तरह है। ऐसा क्यों है ये भी जान लीजिए। कौशाम्बी विधानसभा में करीब 35% दलित आबादी है। 2022 विधानसभा चुनावों में मोदी योगी लहर के बावजूद बीजेपी जिले की तीनों सीटें हार गई थी। बीजेपी को सिराथू, मंझनपुर और चायल तीनों सीटों पर हार मिली। यहां समाजवादी पार्टी गठबंधन को जीत मिली। सिराथू की सीट से खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में थे, लेकिन वो भी समाजवादी गठबंधन के उम्मीदवार से हार गए। मौजूदा वक्त में मायावती के सक्रिय ना होने के कारण बहुजन समाज पार्टी अपने वोटरों के बीच चमक खोती जा रही है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी महागठबंधन को बीजेपी के मुकाबले दलितों के ज्यादा वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में दलित आबादी में ज्यादा प्रतिशत रखने वाले जाटव से बीजेपी को 17% वोट मिले, जबकि बाकी दलित जातियों ने 48% वोट दिए। इससे उलट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वाले महागठबंधन को जाटवों से 75% और बाकी दलित जातियों से 42% वोट मिले। यानी मायावती की जाति वाला कोर वोटर जाटव उनसे अलग नहीं गया। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कैसे पार्टियों की तरफ से दांव पेच चलाए जा रहे हैं अब उसे भी समझ लेते हैं। बीजेपी प्रदेश भर में भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मना रही है। उत्तर प्रदेश में दलित सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। राम नाम के जरिए भी दलितों में पैठ बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर बसपा के वोट बैंक को साथ लाने में वो कामयाब हो गई तो यूपी में विरोधियों के समीकरण को ध्वस्त कर सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और दलितों को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि अगर दलित वोट बैंक का फायदा उसे मिला तो उसकी बात बन सकती है। इस कारण प्रदेश में मिशन काशीराम के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कल बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैन डू का मंत्र दिया था। शायद गृह मंत्री अमित शाह ने उसी कैन डू मंत्र को अपना मिशन बनाते हुए 2024 की लड़ाई के लिए दलित वोट बैंक को मजबूती के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है।